जब मैं इस परिसर में प्रवेश कर रहा था, एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नया संकल्प, एक नया लक्ष्य, एक नया उद्देश्य महसूस हुआ, क्योंकि राष्ट्र का गौरव यहाँ विराजित है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जीवन का एक लक्ष्य आपने पूरा किया है। अब संघर्ष अब शुरू होने वाला है, चुनौती अब आपके सामने आने वाली है। मैं वाकई में इस परिवार के मुखिया, जिनका नाम सिद्धांत भी हो, जोशी भी हो, जिस सिद्धांत के साथ आपके जीवन बनाने का ये काम कर रहे हैं, और इनकी राम और लक्ष्मण की जोड़ी, एक तरफ जोशी, एक तरफ मिश्रा जी, और एक तरफ तिवारी का है, एक तरफ तिवारी, जब ये त्रिवेणी संगम बन जाता है तो एक नया सोच, एक नया चिंतन, एक नया विचार करने के लिए इनके दिल और दिमाग में उत्पन्न होता है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका इसलिए कृतज्ञ हूँ कि ये पवित्र संकल्प परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा है। हर समस्या का समाधान शिक्षा है। विकास और प्रगति का संकल्प शिक्षा है। हमारे जीवन का उद्देश्य शिक्षा है। ऐसा पवित्र काम ये जय वीरू की जोड़ी कर रही है। इसलिए मैं इन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। दो दशक, तीसरे दशक में प्रवेश, 21 वर्ष की ये संकल्प है, ये आपकी पूंजी है, ये आपका विश्वास है, ये आपका मान है, ये आपका सम्मान है। इसलिए उस माँ से यही प्रार्थना करता हूं, उस ईश्वर से जो संकल्प लेकर आए हैं, ये त्रिवेणी संगम का संकल्प पूरा हो और हमारे राष्ट्र का भविष्य आप संवारें, क्योंकि आप जानते हैं आप उस राष्ट्र में, उस देश में जन्म लिया है जो विश्व का सबसे युवा देश है, और ये ऊर्जा यहाँ विराजित है और हमारे राष्ट्र का गौरव विश्व पटल पर अभी स्थापित होगा। जो एक सपना किसी समय हमारे देश ने देखा था, हमारे साधु संत मुनियों ने देखा था कि विश्व का नेतृत्व आपका राष्ट्र करे। हम गौरवशाली हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव देश के तेजस्वी रजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये गौरव हासिल हो रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि इस परिसर में आने के बाद मुझे भी लगता है कि मैं भी तरुण हूं। मेरी आपसे अंत में यही प्रार्थना है, जीवन में कभी आत्मविश्वास कम मत करना। एक मिनट का किस्सा सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको याद होगा पूरे विश्व के अंदर एक जुनून था, और वो जुनून खेल के प्रति था,
क्रिकेट का जुनून, हमारे राष्ट्र का गौरव विश्व पटल पर किसी ने स्थापित किया था, उस व्यक्ति का नाम सुनील गावस्कर था। कीर्तिमान सुनील गावस्कर ने बनाया। सब सोचते थे कि हमारा देश और विश्व इसका कीर्तिमान कभी नहीं टूटेगा। आप जानते हैं, फिर सचिन जी आ गए। सचिन जी को हम क्रिकेट का ईश्वर मानते थे ना। सचिन जी के जाने के बाद विराट कोहली आ गए और धोनी बीच में थे। आपको पता है, सचिन जी के पहले धोनी जी थे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके जीवन का ऐसा कोई भी संकल्प, कोई भी लक्ष्य जो आप पूरा नहीं कर सकते, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई।